throw a rock into a pond. Ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. हमेशा यही रहती है कि किस तरीके से वीडियो को बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। हर तरह की वीडियोस आपको वी नेचुरल पे देखने को मिल जाती है। तो आज ऐसा ही एक टॉपिक लेके आई हूँ मैं, DIY होम रेमेडीज और ब्यूटी हैक्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो थोड़ी मोटी जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं ना आपकी लाइफ में, अगर ये सारे हैक्स फॉलो करते हो तो वो सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही असरदार है आज के जो भी नुस्खे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो, मेरा काम है वीडियोस बनाना आप लोगों के लिए। अगर आपको पसंद आती है इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो एक लाइक करोगे तो ही तो पता चलेगा कि आपको कितनी पसंद आई है। भर भर के लाइक करो, अपने सारे सगे संबंधियों के साथ इस तरह की वीडियोस को शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सबसे पहले मेरे नोटिफिकेशंस मिल पाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लगते गाइस। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग ब्यूटी हैक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्यूटी हैक में हैक नंबर 1 है कि रात को सोने से पहले ये वाले स्टेप्स फॉलो कीजिए, आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में बहुत इफेक्टिव है। जैसे कि इन केस आपने मेकअप किया हो तो पहले तो वेट वाइप से आप अच्छे तरीके से मेकअप को रिमूव कर लीजिए। उसके बाद ये जो मैंने DIY डार्क सर्कल पैचेस बनाए हैं, इसको आप अपनी आंखों पे 10 मिनट के लिए रखिए। अगर आपके डार्क सर्कल्स नीचे वाले हिस्से में है तो ऐसे फोल्ड करके भी रख सकते हैं सोने से पहले। इसको बनाने के लिए आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच बादाम का तेल लेना है, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और कॉटन डालना है आपको, और इसको फ्रिज में रख करके स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पिंपल पॉप आउट होने वाले हैं, हो रहे हैं, हो चुके हैं, तो उसको सप्रेस करने के लिए, जो कि अक्सर मैं करती हूँ, आपको कौन सा DIY हैक करना चाहिए, बहुत ही आसान है। और यहाँ हैक करोगी मेरी रेफरेंस की, तो उसके लिए आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लीजिए, और यहाँ मैंने एप्पल साइडर विनेगर का 3 ड्रॉप डाला है। 1 चम्मच में सिर्फ 3 ड्रॉप, स्किन सेंसिटिव है तो 1 ड्रॉप ही डालोगी। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और Q-टिप की हेल्प से हम स्पॉट ट्रीटमेंट करेंगे। तो जहाँ पे पिंपल है वहाँ इसको ऐसे लगा के छोड़ दीजिए। थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लेना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो अवॉइड कर सकते हो। तो ये देखिए, पिंपल्स के ऊपर कुछ इस तरीके से आप लगा दोगे और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए रात भर, और ये वाली रेमेडी रात को करोगे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपके बगलों से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, सारे हैक फेल हो जाते हैं, तो ये रामबाण नुस्खा आपको बता रही हूँ। 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लेना है आपको, और 4 चम्मच आपको पानी लेना है, उसके अंदर आप कॉटन पैड्स डाल दीजिए। आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं। अब इसको फ्रीजर में स्टोर करके रख दीजिए। रोज नहाने के बाद ये फ्रिज से निकालना है, ठंडा ठंडा कूल कूल आपको इसको अपने अंडरआर्म्स में लगाना है। ये आपके बैक्टीरियाज को किल कर देगा। तो अंडरआर्म्स के बैक्टीरियाज अगर किल हो जाते हैं तो स्मेल नहीं आती है, स्किन डार्क नहीं होती है, स्किन के लाइटनिंग में हेल्प करता है। और ये DIY हैक आप 1 हफ्ते चला सकते हो, 1 बार बनाओ और हफ्ते भर चलाओ। ये देखिए, मैंने अपने बगलों में लगाया और इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप कुछ काम कर लीजिए या बैठ लीजिए और उसके बाद इसको हटाएंगे तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा और स्मेल नहीं आएगी। ये नेचुरल डिओड्रेंट की तरह काम करता है। फिर चाहे सुबह हो या शाम हो, आपके स्किन पे बैक्टीरिया बिल्डअप होंगे ही नहीं ये रेमेडी करने के बाद। ये क्या हो रहा है? अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने नेल्स को अपने दांतों से कुतरते रहते हैं, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, वीक हैं, ग्रोथ नहीं अच्छी होती है, या फंगल इन्फेक्शन भी हो रखा होता है अगर आपके नेल्स पे, तो उसके लिए भी ना बहुत ही आसान सा DIY घरेलू नुस्खा है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। गाइज, इनमें से जो भी हैक आपको बेस्ट पसंद आ रहा हो कॉमेंट करके जरूर बताना।
यहाँ मैंने एक कटोरी गरम पानी लिया है ल्यूक वार्म और एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का लिया है और इसके अंदर मैं अपने नेल्स को डिप करूंगी 5 मिनट के लिए और ऐसा करने से आपके नेल्स काफी हेल्दी हो जाते हैं। अगर आप कोई DIY पैक लगाने की सोच रहे हो तो हम लोग सबसे पहले तो बेसन ही उठाते हैं और उपटन पैक मेरा फेवरेट है। बट किसी भी पैक में, किसी भी DIY में अगर आप चाहते हो कि वो आपके एक्ने पिंपल को कंट्रोल कर पाए इफेक्टिवली या बहुत ज़्यादा पसीने आपको आते हैं उसको रोकना चाहते हो तो आप, मैं जैसे उपटन वाला बना रही हूँ जिसके अंदर मैंने एक चम्मच बेसन, हल्दी, दही ले लिया है, मैंने एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर भी लिया है। आप किसी भी DIY होम मेड पैक में एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लो, उसको चेहरे पे लगाओ, पसीने नहीं आएंगे, पिंपल्स नहीं आएंगे, बहुत इफेक्टिव है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है या फंगी इन्फेक्शन हो गया है आपके स्कैल्प में तो उसका भी क्विक हैक है। आप यहाँ पे 1/4 एप्पल साइडर विनेगर ले लो और पूरा बॉटल पानी से भर दो, इसको अच्छी तरीके से शेक करो। मैंने स्प्रे बॉटल में डाला है, अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कॉटन से भी डिप करके अपने स्कैल्प के ऊपर लगा सकते हो। अपने स्कैल्प में नहाने से पहले कुछ इस तरीके से लगाइए। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके डैंड्रफ को जड़ से ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। इसको ट्राई ज़रूर करना जिन लोगों को डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा शिकायत है। हफ्ते में 2 बार करोगे तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। आधे घंटे बाद आप नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर लगा के हेयर वॉश कर लीजिए। किसी में बता रही हूँ जो आपने बालों पे लगाया है ना, सेम आप अपने फेस पे लगा के एज अ टोनर भी यूज कर सकते हैं। और टोनर स्प्रे करने के बाद आप उसको अपने हाथों से इस तरीके से प्रेस जरूर किया कीजिए ताकि आपके पोर्स के अंदर चला जाए। तो DIY हेयर टोनर भी हो गया और फेस टोनर भी हो गया। ये एप्पल साइडर विनेगर के मैंने आपको इतने सारे यूजेस बता दिए, एक यूज मैं आपको बता रही हूँ जिसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है और DIY करने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, इचिंग होती है, आपको लगता है कि फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, साबुन को रिप्लेस करें और ऐसा शावर जेल यूज करें जिसके अंदर इनबिल्ट एप्पल साइडर विनेगर मिल जाए, जिसके अंदर कोई पैराबिन नहीं हो, केमिकल नहीं हो, SLS नहीं हो, सिलिकॉन फ्री हो। और ऐसा ही एक बॉडी शावर जेल मैं यूज करती हूँ जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दिखाया नहीं था, आज मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है एप्पल साइडर विनेगर बॉडी वॉश को यूज करना। ये है वाव का एप्पल साइडर विनेगर फोमिंग बॉडी वॉश। इसके अंदर पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, कलर नहीं है, 100% नेचुरल बायो एक्टिव है और 100% नेचुरल रॉ हिमालय एप्पल साइडर से बना हुआ है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये शिया बटर और विटामिन ई से बना है जो आपके स्किन में हो रहे ड्राइनेस, रफनेस को दूर करने में हेल्प करता है। एक ही वॉश काफी है आपको तरोताजगी फील कराने के लिए, मतलब यू विल फील फ्रेश। साबुन को रिप्लेस करके शावर जेल अपने लाइफस्टाइल में जरूर इंक्लूड कीजिए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देता है आपके स्किन को। ये क्रुएल्टी फ्री है, 100% वेगन है, साथ ही साथ ये ग्लूटेन फ्री है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। व्हाट एल्स यू नीड इन योर शावर जेल? आपको पहले लूफा गीला करना है, 1 से 2 ड्रॉप इसके डालने हैं और अपनी वेट बॉडी के ऊपर लूफा को ऐसे स्लोली सर्कुलर मोशन में रब करना है, हल्के हाथों से जेंटली क्लीन करना है। इससे आपकी बॉडी में लेदर बहुत अच्छा बनता है और खुशबू फ्रूट की बहुत अच्छी आती है और पूरे दिन तरोताजगी सा फील होता है, स्किन सॉफ्ट सी लगती है और डिटॉक्सिफाई करता है आपकी स्किन बॉडी हेल्थ को। इसका लिंक आपके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, Amazon, Flipkart, Nykaa आपको हर जगह मिल जाएगा, तो चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूले। और आपको याद होगा कि एप्पल साइडर विनेगर का फेस वॉश भी मैंने रिव्यू करके आपको बताया था, उसका भी वर्क मेरी स्किन पे बहुत अच्छा लगा था मुझे, वो ब्रश के साथ आता है। तो ऑल इन ऑल मैं बोलूंगी कि इनका पूरा किट जो रेंज है वो काफी ज्यादा अच्छा है, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो शावर जेल हो, एप्पल साइडर विनेगर मस्ट हैव इन योर लाइफस्टाइल। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और घर में
आए दिन क्या रोज ही आप दिन में कई बार बर्तन धोते हो तो आपको हैंड वॉश करना होता है, सफाई करते हो तो हैंड वॉश करना होता है। इनफैक्ट अगर आप टीचर हो, चौक से लिखते हो तो भी आप बार बार हैंड वॉश करते हो, या किसी भी फील्ड में हो और आपको बार बार हैंड वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है, या आपको लगता है कि आपके हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, या आपके हाथों से थोड़ी स्मेल आती है प्याज की लहसुन की, तो इसलिए ना मैं आपको एक अच्छा सा हैक बता रही हूँ। मैं अपने पर्स में हमेशा कैरी करती हूँ हैंड क्रीम। जी हाँ, आप हैंड क्रीम यूज़ कीजिए, आप DIY भी यूज़ कर सकते हो, मैंने बहुत सारे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप रेडीमेड सॉल्यूशन चाहते हो तो आप हैंड क्रीम बस एक आपको ड्रॉप लेना है और अच्छे तरीके से अपने हाथों में लगा लीजिए। इसके अंदर गुलाब जल है जो आपके हाथों में बहुत अच्छी गुलाबों से खुशबू देके जाता है, हाइलुरोनिक एसिड है जो आपकी स्किन के टेक्सचर में भी इम्प्रूवमेंट लेके आता है, और जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है वाओ स्किन साइंस का हैंड क्रीम, जिसके अंदर कोई पैराबिन नहीं है, सिलिकोन नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, कलर नहीं है, और बहुत अच्छे से हाथों को मॉइस्चराइज, सॉफ्ट, सफल, स्मूथ बनाता है। सिर्फ एक ड्रॉप लेना है और 3-4 घंटे के लिए, जब तक आप हैंड वॉश नहीं करते हो ये हैंड आपके बहुत सॉफ्ट रहेंगे, तो हर हैंड वॉश के बाद आप इसको ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो डेटिंग कर रहे हैं, शादी होने वाली है, इंगेजमेंट होने वाली, तो हाथों का सॉफ्ट होना बनता है ना, ये ज़रूर ट्राई कीजिए आप। इसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप उन लड़कियों में से हो जो स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो या ऑफिस जाते हो और शूज पहनते हो, ऑफिस में पूरा टाइम अगर आप शूज पहन के बैठे रहते हो तो आपको चूहे के मरने जैसी कभी कभी अगर बदबू आ जाए तो इधर उधर नहीं, खुद के जूते ही सूंघ लिया करो, क्योंकि बार बार लगातार काफी देर तक शूज पहनने से ना आपके पसीने आते हैं, बैक्टीरिया बिल्डअप होता है एंड अगेन स्मेल आती है, तभी आपके शूज, सॉक्स, पैरों से स्मेल आती है और फंगल इन्फेक्शन भी कई लोगों को हो जाता है, दाग भी हो जाते हैं। तो इस समस्या का समाधान है मेरे पास। यहाँ पे मैंने एब्जॉर्ब कैंडिड पाउडर लिया है, इसको मैं अपने शूज़ में डाल रही हूँ। आप कोई सा भी पाउडर ले सकते हो, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो ये वाला लो, अदरवाइज कोई भी बेबी पाउडर ले लो, नॉर्मल पाउडर ले लो, उसको शूज़ के अंदर डाल लो पहनने से पहले। आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी, अगर हाँ तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक क्लिक करना है, एक अंगूठा लगा के लाइक कर दीजिए और ज्यादा कुछ नहीं मांगती। और मेरा ब्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ ब्लॉग्स लेके आती हूँ। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।